हेलो गाइज, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। गाइज, अगर आप भी अपना नया फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपना नया फेसबुक अकाउंट कैसे क्रिएट करें। तो दोस्तों, मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो बताऊँगा जिसके माध्यम से आप अपना नया फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों, मैं अपना फेसबुक ऐप ओपन कर लेता हूं। इसके बाद दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में पहले से अगर कोई फेसबुक आईडी लॉगिन है तो उसको आपको लॉग आउट कर लेना है। दोस्तों, लॉग आउट करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा 3 लाइन, इस वाली लाइन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है नीचे, और दोस्तों नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है लॉग आउट, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो ये लॉग आउट हो जाती है। इसके दोस्तों, लॉग आउट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो के आ जाता है। दोस्तों, इसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे क्लिक करते तो आपके सामने ज्वाइन फेसबुक ये ओपन हो के आ जाता है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ से नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो के आ जाता है। तो दोस्तों, आपको फर्स्ट नेम में अपना नाम टाइप कर देना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ से अपना नाम टाइप कर देता हूँ। दोस्तों, इसके बाद आपको लास्ट नेम, इस वाले ऑप्शन में आपको अपना सरनेम टाइप करना है। तो दोस्तों, मैं यहां से अपना सरनेम टाइप कर देता हूं। इसके बाद दोस्तों, आपको यहां से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों, ये व्हाट इज योर बर्थडे, तो दोस्तों ये मतलब ये आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों, मैं यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पूछेगा व्हाट इज योर जेंडर, मतलब ये आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो दोस्तों, आपको मेल फीमेल जो भी सिलेक्ट करना हो वो सिलेक्ट कर ले। तो दोस्तों, मैं यहाँ से मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, जिस भी मोबाइल नंबर से आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाना चाहते हो। तो दोस्तों, मैं यहाँ से अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। गाइज, मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। गाइज, नेक्स्ट करने के बाद ये आपको अपना पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो दोस्तों, आप जो भी पासवर्ड लगाना चाहते हो वो आप यहाँ से लगा सकते हो। तो दोस्तों, मैं मान लो यहाँ से पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो के आ जाता है, जिसमें ये आपको ईमेल आईडी को सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। अगर दोस्तों आप ईमेल आईडी को जोड़ना चाहते हो अपने फेसबुक अकाउंट से, तो आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अगर आप फेसबुक अकाउंट से अपनी ईमेल आईडी को नहीं जोड़ना चाहते हो तो आपको यहाँ पे स्किप कर देना है। तो दोस्तों, मैं अपनी फेसबुक अकाउंट से ईमेल आईडी को नहीं जोड़ना चाहता, तो मैं यहाँ से इसको स्किप कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, ये साइन अप करने के लिए बोलता है, तो आपको इस पर आपको क्लिक कर देना। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो के आ जाता है। इसमें दोस्तों, ये आपका फेसबुक अकाउंट क्रिएट होने लग जाता है। इसमें दोस्तों, ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद ये दूसरी स्टेप कंप्लीट होते ही आपका फेसबुक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। गाइज, ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुकी है और ये फेसबुक अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो के आ जाता है। इसमें दोस्तों, ये आपको बोल रहा है कि नेक्स्ट टाइम लॉग इन विद 1 टैप पासवर्ड, मतलब दोस्तों अगर आप यहाँ से सेव पासवर्ड पर आप क्लिक कर देते हो तो दोस्तों, जब भी आप अपने मोबाइल में अपनी फेसबुक को लॉग इन करते हो तो ये बिना पासवर्ड के ही खुल जाएगी। अगर दोस्तों आप यहाँ पे नोट नाउ पर आप क्लिक करते हो तो दोस्तों, जब भी आप अपने फेसबुक अकाउंट को अपने मोबाइल में खोलते हो तो ये आपको हर बार पासवर्ड टाइप करने के लिए बोलेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ से सेव पासवर्ड पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने आपका मोबाइल नंबर और आपका जो पासवर्ड था जो आपने अभी लगाया था फेसबुक के, वो आपके सामने शो हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, आपको इसको यहाँ से ओके कर देना है। दोस्तों, ओके करने के बाद आपको ये फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा जो आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर लगाना चाहते हो। तो दोस्तों, मैं यहाँ से चूज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपको उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है जो आप अपने फेसबुक अकाउंट पर लगाना चाहते हो। तो दोस्तों, मैं यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर ली। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ से सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग करने में थोड़ा सा टाइम लेगी, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, ये आपको बोल रहा है कि ऐड योर फ्रेंड, तो दोस्तों जो भी आप अपना फ्रेंड हो, आपको यहाँ पे जो भी अपना फ्रेंड दिखाई दे उसको आपको यहाँ से ऐड कर लेना है। और यहाँ से आपको ऐड 5 फ्रेंड, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो के आ जाता है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों ये आपका फेसबुक अकाउंट बन चुका है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को देख सकते हैं। और दोस्तों फेसबुक से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों मोबाइल या फिर लैपटॉप से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।